नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया Academy। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह है टॉप 20 लीन टूल्स। टॉप 20 लीन टूल सीरीज का ये मेरा छठा वीडियो है। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 5 वीडियो सीरीज में मैं बना चुका हूं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह मेरा लीन टूल के ऊपर छठा वीडियो है। 5 वीडियोस ऑलरेडी मैं लीन टूल के ऊपर बना चुका हूं। उन 5 वीडियोस में हमने क्या क्या कवर किया है एक बार जान लेते हैं। हमने उसमें कवर किया है 5S, काइजन, ओकायोके, टीपीएम, 5 एनालिसिस, एंड ऑन, ओई, स्मैट, डीडब्ल्यूएम, विजुअल मैनेजमेंट और VSM, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। ये सारी चीज़ें हमने उन 5 वीडियोस में कवर करी हैं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ये आप पांचों की पांचों वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइन बैलेंसिंग और KPI या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो पहले हम जानेंगे लाइन बैलेंसिंग के बारे में। लाइन बैलेंसिंग एक ऐसी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है या ऐसा एक प्रोडक्शन टूल है जिसके अंदर जो कस्टमर का टेक टाइम निकल के आता है, कस्टमर डिमांड रेट जो होती है कि किस स्पीड से हमें कोई भी पार्ट प्रोड्यूस करना है या असेंबल करना है, उस स्पीड से हमारी जो प्रोडक्शन रेट है उसको मैच कराना लाइन बैलेंसिंग कहलाता है। सपोज कस्टमर ने बोला कि मुझे 1,000 पीस पर डे के चाहिए, तो उसके हिसाब से जो हमारी एवरेज निकल के आई कि हमें घंटे में इतने पीस बनाने हैं और अभी हम कितने बना रहे हैं, तो उस डिमांड को मीट करना लाइन बैलेंसिंग कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारा कोई पार्ट है जिसका टेक टाइम है 90 पीस पर आवर। उसकी डिमांड क्या है कि घंटे के हमें 90 पीस बनाने हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या हुआ? सबसे पहले हमारा ऑर्डर आया, उसके बाद हमने ब्लैंकिंग की, फिर पंचिंग की, फिर असेंबली की, उसके बाद पैकिंग और फिर डिस्पैच। तो हमारा स्टार्ट से एंड तक प्रोडक्ट बन गया और डिस्पैच होके चला गया। अब इनके हम रेट देख लेते हैं कि पर घंटे हर स्टेशन से क्या आउटपुट निकल रही है। तो हमारी जो पहली स्टेज है वहाँ से हमें मिल रहा है 90 पीस पर आवर। दूसरी जो स्टेज है वहाँ से भी हमें सेम आउटपुट मिल रही है 90 पीस पर आवर, और हमने यहाँ पे एक मशीन और एक ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो डिमांड को हमारे जो पहला और दूसरा जो प्रोसेस है वो मीट कर गया कि कस्टमर की डिमांड भी 90 पीस पर आवर है और हमारे स्टेशन 1 ब्लैंकिंग और स्टेशन 2 पंचिंग से सेम आउटपुट निकल रही है। इसके बाद आ जाता है असेंबली। असेंबली में हमारे क्या है, एक मैन पावर लगी हुई है और आउटपुट कितनी है, 30 पीस पर आवर। हम घंटे के 3 पीस बना रहे हैं और हमने एक व्यक्ति लगाया हुआ है। तो ये जो कस्टमर की डिमांड रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद अगला जो स्टेशन है वो है हमारा पैकिंग। पैकिंग के ऊपर हमने 2 मैन पावर लगाई हुई है और डिमांडिंग रेट जो है हमारा 90 पीस पर आवर है, और हमें जो आउटपुट मिल रही है इस स्टेशन के ऊपर वो मिल रही है 60 पीस पर आवर। अब दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात ये है कि हमारा जो स्टेशन है असेंबली, एक्चुअल में ये बोटल नेक स्टेशन है, इसकी आउटपुट है 30 पीस पर आवर। तो हम चाहे कितने भी बना लें, चाहे हम ब्लैंकिंग 90 कर लें या पैकिंग 60 कर सकते हैं, लेकिन हम कस्टमर को कितनी आउटपुट दे पाएंगे, 30 पीस ही दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बॉटलनेक ऑपरेशन हो गया। तो इसको अभी ग्राफ से भी एक बार समझ लेते हैं। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो हमारा क्या निकल के आया, 90 पीस, ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये बिफोर वाला है, और ग्रीन में जो है हमारा आउटपुट जो है वो आफ्टर वाला है। तो पहले में 90, 90, 30, 60। तो हम लाइन बैलेंसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, या तो जो हमारी असेंबली में आउटपुट है वहाँ हम कोई ऑटोमेशन लगा दें और उसको बढ़ा करके 90 पर ले आए, या हम वहाँ पर एक्स्ट्रा मैन पावर लगा दें। मैंने पिछली एक वीडियो, डिटेल वीडियो जो बनाई थी लाइन बैलेंसिंग के ऊपर, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि ये कैसी लाइन बैलेंसिंग हुई, आपने तो मैन पावर बढ़ा दी। तो मैंने उनको बार बार कमेंट में यही लिखा कि
कि ये लाइन बैलेंसिंग है, यहाँ हम प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइन बैलेंसिंग की। अगर हमने दो मैन पावर बढ़ा दी या तीन मैन पावर बढ़ा दी और हमारी आउटपुट बढ़ गई और हम कस्टमर की डिमांड को मीट कर गए, तो हमें वो ज़्यादा सस्ता पड़ा दो मैन पावर बढ़ाना, या फिर हम मैन पावर नहीं बढ़ाते और उसी स्पीड से जो है 30 पीस के हिसाब से कस्टमर को देते? तो भैया बिलिंग तो उतनी होती ना 30 की, अब हम जब 90 पीस पर आवर बना रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट हमारी बढ़ गई तो बिलिंग भी ज़्यादा होगी। तो फ़ायदा किस में है, कि कस्टमर की डिमांड को मीट करने में है या एक बंदा बचाने में है? तो हमें ये समझना होगा कि लाइन बैलेंसिंग के लिए अगर हमें कोई मशीनरी में ऑटोमेशन करना पड़े या एक एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी पड़े किसी स्टेशन के ऊपर, तो हम लगाएंगे। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप लाइन बैलेंसिंग करने के लिए एक मैन पावर या दो मैन पावर नहीं बढ़ा सकते। कॉन्सेप्ट है लाइन बैलेंसिंग, लाइन को बैलेंस करना है, हर स्टेशन से सेम आउटपुट निकलनी चाहिए, तभी लाइन बैलेंसिंग होगी। नहीं तो जो हमारा बॉटलनेक ऑपरेशन होगा उससे ज़्यादा हम कस्टमर की डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है बिफोर में, जैसे मैंने आपको बताया हमारा 90-90-30-60 आ रहा है। पहले स्टेशन में मैन पावर 1 है, फिर 1, फिर 1, फिर 2। तो हम क्या करेंगे, लाइन को बैलेंस करने के लिए एक एक मैन पावर को बढ़ा देंगे। यहाँ हमने दो मैन पावर बढ़ा दी, दो मैन पावर किस लिए बढ़ाई, क्योंकि एक मैन पावर की जो आउटपुट है वो निकल के आ रही है 30 पीस पर आवर। तो हम जब दो मैन पावर बढ़ा देंगे तो प्लस हो जाएगा 60 पीस पर आवर, तो हमारी जो डिमांड रेट है 90 पीस आवर उसको हम मीट कर जाएंगे। इसी तरीके से पैकिंग में भी हम एक मैन पावर बढ़ाएंगे, दो मैन पावर कितना दे रही है 60 पीस पर आवर, तो एक की एवरेज कितनी हुई 30 पीस पर आवर, तो यहाँ भी हमने एक मैन पावर बढ़ा दी, तो हमारी जो है वो लाइन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। हर स्टेशन के ऊपर आउटपुट सेम निकल रहा है 90-90-90। अब हमने कस्टमर की डिमांड जो है 90 पीस पर आवर मीट कर लिया और उसी हिसाब से हम मटेरियल भी डिस्पैच कर पाएंगे। अब जान लेते हैं KPI के बारे में। दोस्तों KPI की फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो बेसिकली KPI आर द क्रिटिकल इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इंटेंडेड रिजल्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। किसी संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा इच्छित परिणाम की दिशा में प्रगति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। मतलब कि हमने कोई टारगेट लिया हुआ है, उस टारगेट को जो चीज़ दर्शाएगी कि हम उस दिशा में जा रहे हैं या नहीं। सपोज हमने टारगेट लिया हुआ है कि हमें 100 PPM पे आना है, तो बोल देने से तो हो नहीं जाएगा कि हम जी 100 PPM कंपनी हो जाएंगे इस साल। तो जो 100 PPM आने के लिए हमें दर्शाएगा कि हम 100 PPM की तरफ गोल अचीव कर रहे हैं या नहीं, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहलाते हैं, जो हमारी आउटपुट को मेज़र करते हैं। हमारी का मतलब है कि हमारी इंडिविजुअल की भी आउटपुट हो सकती है और किसी डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। अब ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये ज़रूरी क्यों है? दोस्तों एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पीटर ड्रकर, उनका मानना था यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेज़र। जिस चीज़ को आप माप नहीं सकते उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कांट मेज़र कांट इम्प्रूव। जो चीज़ हम मेज़र नहीं करते ना तो वह इम्प्रूव होगी ना ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उनका वो पढ़े जा रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ये नहीं पता चल रहा कि मैथ में वो कितना आगे है या इंग्लिश में कितना आगे है या साइंस में कितना पीछे है। तो जो स्टूडेंट है उनका KPI क्या हो गया, उनके एग्ज़ाम के अंदर नंबर। तो इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट का या हर इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक KPI होता है। अब हम कुछ डिपार्टमेंट के KPI जानेंगे। जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के कॉमन KPIs क्या हो सकते हैं, OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, एबिलिटी हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकती है, फर्स्ट टाइम राइट हम कितना बना रहे हैं, MTTR MTBF क्या है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। तो ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के कॉमन KPIs होते हैं। तो इसका एक टारगेट सेट कर लेना है साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, फिर उसको हमने मेज़र करना है, रिव्यू करना है। इसी तरीके से जो HR डिपार्टमेंट है उसका KPI होता है एब्सेंटिज्म रेट,
एक्सीडेंट रेट, काइजंस, ट्रेनिंग आवर्स, एट्रिशन नेट, ये सारे क्या हैं? एचआर डिपार्टमेंट के केपीआईज हैं। ये हमें बताएंगे कि एचआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है ढंग से या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से क्वालिटी के केपीआई क्या है? इन प्रोसेस पीपीएम, फाइनल पीपीएम, कस्टमर पीपीएम। इन प्रोसेस लाइन पे कितना रिजेक्शन निकल रहा है, फाइनल में कितना रिजेक्शन निकल रहा है, कस्टमर एंड से कितना रिजेक्शन निकल रहा है। अगर हम ये ना नोट करें कि लाइन पे कितना रिजेक्शन हो रहा है, फाइनल में कितना, कस्टमर में कितना, तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी क्वालिटी को? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए केपीआई का होना ज़रूरी है। और इंडिकेटर्स क्या हैं क्वालिटी के? कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर रेटिंग्स। तो इसी तरीके से हम हर डिपार्टमेंट के केपीआईज डिफाइन कर सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं प्लांट हेड लेवल पे या सीनियर लेवल पे और अपनी कंपनी के लिए केपीआईज डिफाइन कराना चाहते हैं, उनके लिए सिस्टम बनवाना चाहते हैं कि केपीआईज की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केपीआई की मॉनिटरिंग होना। मैंने अक्सर यह देखा है कि लोग केपीआई तो बना लेते हैं लेकिन उनको मॉनिटर नहीं कर पाते, उनको सही तरीका नहीं मालूम होता कि इनको कैसे मॉनिटर किया जाए रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि अगर आपने केपीआई बना दिया और आप साल बाद देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। साल बाद पता चलेगा कि हमारे पास कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है या हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। तो हम ऐसे सिस्टम बनाने में मदद कर सकते हैं जो आपको रेगुलर केपीआई मॉनिटरिंग आसान बना दे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।